Hi, my name is Ashish Parashar. Welcome to Magnet Brains. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. वैसे अगर मैं पूरे पॉपुलेशन इंटरेक्शन पोर्शन की बात करूं तो इसमें से आप कुछ भी छोड़ के मत जाना, स्पेशली एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन. एंड यू शुड बी वेरी क्लियर एंड एक्यूरेट अबाउट योर डेफिनेशन. कहीं भी एक भी वर्ड इधर उधर मत सोच के जाना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना. ये कोई रटने वाली बातें नहीं है, रोज़ रोज़ पढ़ने वाली बातें नहीं है. इनको एक बार कॉन्सेप्ट बनाओ, एक्यूरेसी रखो उसमें, किसी भी तरह का वर्ड इधर उधर नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता रहा था, दो पॉपुलेशन है, एक स्पीशीज़ ये है और दूसरी स्पीशीज़ ये है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है. लेकिन कब हम इसको बोलेंगे कि ये प्रोटो कॉपरेशन है और कब हम इसको बोलेंगे कि ये म्यूचुअलिज्म है. एक्चुअली में एनसीईआरटी में इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं दिया है, लेकिन हमने डिवीज़न इस तरह से बनाया है कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है. पर्टिकुलरली म्यूचुअलिज्म में जो दोनों स्पीशीज़ हैं, ये दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को फ़ायदा दे रही हैं और ये दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती. 100% इनको सेम स्पीशीज़ चाहिए. और प्रोटो कॉपरेशन की वहीं अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के बिना भी ज़िंदा रह सकती हैं और अगर साथ में रहेंगी तो क्या करेंगी, एक दूसरे को बेनिफिट ही देंगी. ये चीज़ समझ आ गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा मिलता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे कि आप सिम्बायसिस और म्यूचुअलिज्म जो है उसमें लाइकन की जब आप बात करते हैं तो आपको टिपिकली पेड़ों के ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगा हुआ दिख जाता होगा. एक्चुअली में लाइकन जो है फंजाय और अलगाय का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो वो एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसको हम यूज़ करने वाला. एक और जो है माइकोराइजा भी आपने देखा होगा, जैसे कि एक जिम्नोस्पर्म है पाइनस, उसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है. और अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, पुराने टाइम पे पूछा जाता था कि क्या पाइनस का पेड़ बिना माइकोराइजा के भी ग्रो कर सकता है. आंसर था नहीं. यानी कि माइकोराइजा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइनस के पेड़ के लिए कि अगर माइकोराइजा नहीं हुआ उसकी रूट्स में तो पाइनस ग्रो ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये सारे के डायग्राम के साथ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लाइकन भी आगे एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, उसके बाद माइकोराइजा जो है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, पाइनस के साथ इन्वॉल्व रहता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोलिनेशन. नाउ दिस इज लाइकन. अब ज़रा लाइकन के बारे में समझते हैं. लाइकन के बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो व्हाइट कलर का पैचेस आपको दिख रहा है ना, ये पूरा लाइकन है. जहाँ भी आप ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है, गंदगी नहीं होती है, वहाँ पे आपको पेड़ों के ऊपर ये देखने को मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक बार कि पहले तो बता देता हूँ व्हाट इज़ लाइकन. लाइकन वैसे तो यहाँ का प्रॉपर हेडिंग नहीं है, लेकिन आइडिया दे देता हूँ. अल्गल और फंगल रिलेशन है. फाइकोबायंट माइकोबायंट आपको ऐसा कुछ पढ़ा हो, याद आ रहा हो जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, और लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से डिस्क्राइब रहती हैं. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, आजकल रिसेंट काफ़ी ट्रेंड करता है, कि लाइकन ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे ग्रो नहीं करता. या इसको दूसरे फॉर्मेट में पूछ लेते हैं कि क्या पॉल्यूटेड एरिया में लाइकन ग्रो करेगा. आंसर है नहीं. पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं लाइकन को, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइकन कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता. नेक्स्ट, एक बार स्पेसिफिक पूछ लिया था कौन सी गैस के पॉल्यूशन के एरिया में वो जनरली ग्रो नहीं करता. इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रियल में भी कौन सी गैस, SO2. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेंड कर रहे हैं आजकल. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ टिपिकल माइकोराइजल एसोसिएशन. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेड़ की जो रूट्स हैं वो कितनी ज़्यादा डीप चली गई हैं और कितना ज़्यादा फैल गई हैं. अदरवाइज इसकी जो रूट्स हैं वो 4-5 होती और यहीं ख़त्म हो जाती और प्लांट वहीं का वहीं मर भी जाता. प्लस माइकोराइजा हेल्प किस में करता है. माइकोराइजा एक्चुअली में फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और फॉस्फोरस की ज़रूरत प्लांट को बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट पोलिनेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है किसी प्लांट के लिए. और अगेन आप समझ सकते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि एक को वहाँ से नेक्टर मिल रहा है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका फूड है, और एक का पोलिनेशन हो रहा है जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आप देखोगे जनरली सेक्सुअल डिसीट के ऊपर. तो एक मेडिटेरियन एरिया में पाया जाने वाला ऑर्किड है,
वहां पे आपने देखा होगा एक सेक्सुअल डिसीट. नाउ व्हाट इज डिसीट? डिसीट मतलब होता है धोखा देना, चीट करना. तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्लावर का एक पेटल जो है वो फीमेल हनी बी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, या उसकी तरह मॉर्फोलॉजी हो जाती है, उसकी तरह दिखने लगता है. तो जो मेल है उसको जनरली ये लगता है कि ये जो है, या फिर जो ड्रोन उड़ रहा है उसको ये लगता है कि जनरली ये जो है ये फीमेल हनी बी है, तो उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए ये जो हनी बी है ये उसके ऊपर आके बैठता है. और ये पोलिनेशन का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है. हालांकि इसको किसी भी तरह से हमने किसी और कैटेगरी में नहीं रखा है, इसको म्यूचुअलिज्म में ही एनसीईआरटी भी पढ़ाती है और आपको म्यूचुअलिज्म ही टिक करना है. ठीक है, तो बेसिकली इतना म्यूचुअलिज्म के बारे में इनफ है. बाकी आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हमेशा पढ़ा करें, हम वहाँ से ही लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बन के आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें. थैंक यू.